हेलो गाइस, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक ऑन माय ट्यूब चैनल कोड बाय आमद। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इस वाले कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हम। जावा इनटू स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन के राइट साइड में मेंशन आप देख सकते हैं। ओके, ये हमारा कोडिंग पार्ट है, हम कोड टाइप करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसमें हमें करना क्या है। सो गाइस, इसमें हमें पहले से एक इंटीजर एन दिया हुआ है वेरिएबल। ओके गाइस, एंड इसे हमें करना क्या है, इसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है प्लीज कंप्लीट दी पार्शियली कंप्लीटेड कोड इन दी एडिटर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कोड पहले से ही टाइप करा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ओके, देन जो बचा हुआ कोड है हमें खुद से टाइप करना है। ओके, देन इन्होंने बोला इफ़ योर कोड सक्सेसफुली कन्वर्ट एंड इन टू स्ट्रिंग, सो फिर कोड क्या प्रिंट करेगा, गुड जॉब। ओके, अदरवाइज ये क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग आंसर। ओके, देन यहाँ पे एन की जो रेंज होने वाली है वो इंक्लूसिव होगी और वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -100 से 100 तक रहेगी। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने इनपुट बताया है 100। ओके, ऐसा अगर इनपुट आता है तो फिर आउटपुट क्या आएगा, गुड जॉब। ओके गाइज, सो इस तरीके से कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन की। सो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड टाइप करना शुरू करते हैं। सो कोड टाइप करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे इन्होंने इफ एल्स कैच का यूज़ करा है। ओके, सो इफ में इन्होंने कंडीशन दी है यदि एन इक्वल इक्वल इंटीजर डॉट पार्स एंड के है। ओके, देन क्या प्रिंट कर देगा, गुड जॉब, अदरवाइज क्या प्रिंट कर देगा, रॉन्ग आंसर। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्शन हैंडल भी यूज़ करा हुआ है। ओके, सो यदि कोई एक्सेप्शन आता है सो फिर ये कैच ब्लॉक के थ्रू कैच कर लेगा एंड प्रिंट कर देगा अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन। ओके गाइज, सो मैं आपको बता दूं इंटीजर डॉट पार्स एंड जो है ये एक स्टैटिक मेथड है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीजर क्लास। ओके गाइज, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड टाइप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। ओके, स्ट्रिंग, देन इसका वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा एस, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एस ही पास करा हुआ है। सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया एस, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड यहाँ पे मैं रैपर क्लास का यूज़ करूँगा। तो मैं टाइप करता हूँ इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, देन यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एन को। ओके, देन एंड में सेमी कॉलन। ओके गाइज, सो मैं आपको बता दूँ ये इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है क्या करेगा, ये हमारे इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करेगा। ओके गाइज, देन ये जो इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड है क्या करेगा, ये हमारे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। सो एक बार मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का, देन हम कोड को रन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या करा है, इनपुट लिया है एन जो कि इंटीजर है। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसा फ्लो है कि जब ये इसके इक्वल होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट के तभी हमारा प्रिंट करेगा, गुड जॉब। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, स्ट्रिंग एस में यहाँ पे इस वाली लाइन में यहाँ पे हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का एस वेरिएबल लिया। ओके, एंड यहाँ पे हमने इनपुट को पास करा है एन को, ये क्या करेगा, इस इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। ओके, तो जैसे ही स्ट्रिंग में चेंज होगा ये हमारे एस में आ जाएगा। ओके, सो एस में अभी हमारा क्या आ चुका है, स्ट्रिंग आ चुका है। ओके, और ये एस हमने कहाँ पास कर दिया, यहाँ पे पार्स इंट मेथड में हमने पास कर दिया है। ओके, सो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा इस मेथड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर के ये इंट बन जाएगा, इतना पार्ट हमारा कन्वर्ट होकर के इंट बन जाएगा, इतना इंटीजर डॉट पार्स इंट। ओके, एंड एन जो है वो पहले से इंटीजर है। ओके, सो इंटीजर इक्वल टू इंटीजर के हो जाएगा, देन ये प्रिंट कर देगा, गुड जॉब। और यदि ऐसा नहीं होता है सो ये क्या प्रिंट कर देगा, रॉन्ग आंसर, एंड यदि कोई एक्सेप्शन आती है सो ये कैच ब्लॉक के थ्रू वो हैंडल कर लेगा। ओके, सो इस तरीके से कुछ ये कोड वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं रन कोड पे क्लिक कर देता हूँ एंड कोड को रन करते हैं। सो ये हमारा कोड रन हो चुका है। ओके गाइज, तो चलिए अब मैं सबमिट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। ओके, एंड सक्सेस का ही मैसेज यहाँ पे आ चुका है। सो मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखें, मैं 100% गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँचती रहा करेगी। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।